नहीं 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 ऐसा नहीं। तो ये सो के तो उठ चुके हैं और आज थोड़ा लेट सो के उठा हूँ मैं, 8 बजे सो के उठा हूँ तो 9:30 तक मैं राइड पे जा पाऊंगा। बाकी बाहर का मौसम देखते हैं कैसा हो रहा है। अरे बाप धूप निकल रही है, इस धूप से मेरे को सख्त नफरत है यार, मन भी नहीं करता बाहर जाने का धूप की वजह से। बाकी स्टैगर को देखो सो कैसे रहा है, देख रहे हो इतना ज़्यादा लाट साहब है, कीर्ति ऐसे सो रही है और ये उसके ऊपर मुंह रख के सो रखा है। भाई तुम क्यों हो इतने लाट साहब क्यों हो? तो जी अपन तो नहा धो के रेडी हो चुके हैं और हमारा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है, पराठे और चाय। चलो और यार भोलेनाथ जी की नई मूर्ति लेके आया था, इसको यहाँ पे लगा देते हैं हम। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सब अच्छे होंगे। तो चलो जल्दी से राइड लेते हैं अपनी। सो यार जब से है ना मैंने कैब ज्वाइन करी है ना, तो जगह जगह पे विजिट कर करके है ना पता लगा कि दिल्ली के कुछ रोड है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब ये फ्लाईओवर बहुत ही ज़्यादा खुला खुला है। और अभी चाहूँ तो मैं इस पर 80 की स्पीड मेंटेन कर सकता हूँ, बट मैं करूँगा नहीं। सही है यार, ऐसी अगर हर जगह के रोड है ना दिल्ली में तो जाम की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो गाइस अभी मेरे पास एक राइड आई है कुतुब मीनार की, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार कस्टमर को ना कुतुब मीनार पे ड्रॉप करने के बाद हम गाड़ी को पार्क करके मैं भी एक टिकट ले लेता हूँ कुतुब मीनार की। थोड़ा कुतुब मीनार देख लेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे, देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है कुतुब मीनार। मतलब यार मैंने ना आज तक देखा नहीं, मतलब दिल्ली में रहकर मैंने दिल्ली की चीजें नहीं देखी है। हट जाओ जरा, हाँ आराम से हट जाइए प्लीज, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए फिर आप लेट जाइए। मीनार तो पहुंच गए हैं और कस्टमर को भी ड्रॉप कर दिया, अब हम पार्किंग में गाड़ी लगा लेते हैं और फिर टिकट लेके चलते हैं अंदर। तो ये टिकट तो ले ली है भाई, लाइन देखो टिकट की कितनी ज़्यादा लंबी है, देख रहे हो। तो जी ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए नेट नहीं चल रहा है और ऑफलाइन टिकट लेने के लिए लाइन आगे नहीं बढ़ रही है, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इससे बढ़िया फिर कभी आएंगे कुतुब मीनार देखने के लिए और सबके साथ आएंगे। और यहाँ देखो सारी कंट्री के ना फ्लैग लगे हुए हैं लाइन तारी से, देख रहे हो ये देखो, और कितने प्यारे लग रहे हैं ना वहाँ तक लगे हुए सारी कंट्री के पास। तो जी गर्मी लग रही है, किस्टिंग ठंडी निकालना भैया, प्यास लग रही है बहुत ज़ोर से और एनर्जी भी लो रही है इस धूप में। तो मैंने अपनी गाड़ी को ना अभी यहाँ पे पार्किंग में सही से पार्क कर दिया था, पर कुछ समझदार लोग होते हैं ऐसे जो अपनी गाड़ी को बिना न्यूट्रल करे ना ऐसे गाड़ी को पार्क कर देते हैं और उनकी वजह से ना 3-4 गाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती हैं और किसी को कहीं जाना हो इमरजेंसी पर इन गाड़ी की वजह से नहीं जा पाएंगे। बस मैं तो इन प्लेनों को ही देख रहा हूँ आते जाते, क्योंकि आधा घंटा हो चुका मेरे को यहाँ पे खड़े हुए, मैं तो इन प्लेनों को ही देख रहा हूँ। देखो भाई कितना बुरा हाल हुआ पड़ा, देख रहे हो ये थार। तो जी सुबह 11 बजे से मेरे को रात के 9 बज चुके हैं राइड करते करते, और मैं ना यार राइड लेके ना फरीदाबाद भी आ चुका था, पर यार फरीदाबाद के अंदर ना सारी फरीदाबाद के अंदर की ही राइड आ रही थी, दिल्ली की कोई भी राइड नहीं आ रही थी और मेरे को जाना है घर। तो बस मैं भगवान से दुआ कर रहा था बस जल्दी से दिल्ली की राइड आ जाए कैसा ना कैसे करके, और दिल्ली की राइड आ गई। और गाइस देख रहे हो कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं, राइडिंग भी कर रहा हूँ और व्लॉगिंग भी मेंटेन कर रहा हूँ, तो यार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो यार प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो यार, ताकि मैं ये ज़्यादा टाइम तक ना कर पाऊँ। तो कस्टमर को तो छोड़ दिया मैंने लक्ष्मी नगर मरर डेयरी पे, अब घर चलते हैं, यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे है घर। और गाइस अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहा ना, तो आने वाले टाइम में ना गाइस हम अपनी एक प्राइवेट गाड़ी ले लेंगे, फिर उस प्राइवेट गाड़ी को ले लेके ना हम जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, जगह जगह घूमेंगे और आपको बहुत कुछ दिखाएंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट भी देंगे हम। तो बस अपना ऐसे प्यार और सपोर्ट देते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, लव यू। What do you say? बच्चा आ गया लो दीदा। वाओ वाओ गाइस देख रहे हो जी, खाना खाते हैं और मम्मी ने बना रखे हैं छोले चावल। आज हम वॉक पे तो जाने रहे हैं, हम जा रहे हैं दीदी के घर पे, क्योंकि दीदी ने कोल्ड ड्रिंक रखी है और कोल्ड ड्रिंक के नाम पे मेरे अंदर आ गया एनर्जी, तो अब मेरे पैरों में दर्द नहीं है। चलो ये लोग कैरम के पीछे इतना पागल है, कैरम भी लेके जा रहे हैं दीना बहन के घर पे, देख रहे हो। तो जी हम कैरम खेल रहे हैं यहाँ पे, और ये स्ट्राइकर देख रहे हो ना, ये बहुत महंगा स्ट्राइकर है, पता है किस चीज का बना हुआ है? ये हाथी के दांत से बना हुआ है, मैं आज नदी के दांत तोड़ के तब बनाऊंगा एक स्ट्राइकर, तुम्हारे आगे के दांत है नहीं है तब उन्हें तोड़ के बनाऊंगा मैं, उन्हें तोड़ के, है ना मम्मी सही है ना। गाइस हमारा पिकनिक का सामान ले आई है दीदी, ये देखो सारा का सारा, हम पिकनिक पाए हम पिकनिक।
गाइस कुछ टाइम पहले ना हमारी अदीना बहन पे की स्कूटी थी, कौन सी थी वो? स्कूटी पेप्लस। क्या क्या था उसका सीट? बहुत अच्छी थी वो, बहुत फास्ट थी। बहुत की थी उसको, बहुत की उसको गोद में लेकर। उस जमाने में 130 सीसी थी। गाइस ये जाती तो ऑफिस स्कूटी पे थी, पर स्कूटी को है ना रिक्शे में लेके आती थी फिर बाद में। हां हां उसने हमें बहुत रुलाया, एक बार तो करोल बाग में रुक गई थी। करोल बाग में स्कूल गई, स्कूल से वापस उसे उसमें लेकर आई थी बैटरी रिक्शा। मलम वाली कोल्ड ड्रिंक मिल जाए भाई। भाई नहीं 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 ऐसा नहीं भाई, वो नहीं है भाई, वो नहीं है। नहीं 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 जल्दी जल्दी।